जी आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। जी भैया, हाँ जी, ये मैं भी आज के कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस करता हूँ, ये ट्रांसफरेबिलिटी में ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ। और कोई क्वेश्चन? देखिए, हमारे सिलेबस की हद तक जितने भी कंपनी के शेयर्स होंगे उनकी फेस वैल्यू सेम होगी। यानी एक कंपनी ने अगर अपने 100 रुपये वाले फेस वैल्यू के शेयर रजिस्टर करवाए हैं तो उसके सारे शेयर्स 100 रुपीज़ वाले होंगे। कोई दूसरी कंपनी हो सकता है उसने अपने शेयर करवाए हो तो फेस वैल्यू 50 रखी हो किसी और इस कंपनी की। हमारे सिलेबस की हद तक फिलहाल यही समझे कि सेम ही रहेगी। और की क्वेश्चन? कंपनी के प्रॉफिट में शेयर होल्डर्स के अलावा क्या कंपनी का भी कोई हिस्सा होता है? नहीं, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो हिस्सा लेके क्या करेगी? नहीं, उसका कोई नहीं हिस्सा, वो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स का हिस्सा होता है प्रॉफिट में। हाँ, एक कंपनी क्या किसी और कंपनी की भी मालिक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन असल में जो वो दूसरी कंपनी को ख़रीदने के लिए पैसा लेके आएगी वो पहली कंपनी के शेयर होल्डर का ही हिस्सा होगा जो उन्होंने बिजनेस से नहीं निकाला हुआ। क्योंकि अगर सारे शेयर होल्डर सारे का सारा प्रॉफिट बिजनेस से निकाल लेते तो कंपनी के पास इतने पैसे बचते ही ना कि वो दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकते। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं जी। एक कंपनी फेस वैल्यू चेंज कर सकती है अपने शेयर्स की? जी बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा अगर करती है कंपनी तो वो तो जिन लोगों को शेयर इशू कर चुकी है उनके पास तो पुराने होंगे, वो सर में अखबार में इश्तहार देती है कि जिनके पास पुराने शेयर हैं पुराने शेयर लेके आए और नए शेयर ले जाए, वो इस तरह करते हैं। और भी क्वेश्चन? अगर एक कंपनी के 100% शेयर्स है, सॉरी एक पर्सन के 100% शेयर्स है किसी कंपनी में और वो कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है अपनी सारी लाइबिलिटीज पे नहीं कर पाती, तो क्या वो जो ओनर जिसके पास 100% शेयर्स थे लायबल होगा? इसका जवाब है नहीं। ठीक है, वो लायबल नहीं होगा। और की क्वेश्चन? क्योंकि कंपनी का कंसेप्ट यही है, सेपरेट लीगल स्टेटस में हमने यही तो पढ़ा था। अगर एक के ही सारे शेयर्स हैं तो वो सोल प्रोप्राइटर नहीं बन जाएगा? नहीं, अगर आप उसको कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप को भी अगर आप कंपनीज एक्ट के मुताबिक रजिस्टर करवा लेते हैं तो फिर वो सोल प्रोप्राइटर नहीं, कंपनी रहेगी। हाँ, ऐसी कंपनी को हम क्या नाम देते हैं? सिंगल मेंबर कंपनी, SMC। और भी क्वेश्चन? क्या ऐसा हो सकता है कि एक शेयर होल्डर कंपनी में खुद ही डायरेक्टर हो और वो बिजनेस को मैनेज कर रहा हो? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन हो सकता है। और कोई क्वेश्चन? जी, एक कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है जिसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं, क्या वो किसी जगह पे लिखा जाता है? और अगर कहीं लिखा जाता है तो वो किस जगह पे लिखा जाता है? याद रखिए, बिल्कुल लिखा जाता है। और वो कहाँ पे लिखा जाता है? जब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं ना हम SEC के पास, तो वो कहते हैं अपना प्रोफॉर्मा होता है उनका, इसको फिल करें और कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करवाएं, तो उसमें हमने लिखना होता है कि कंपनी का टोटल कैपिटल कितना होगा जो उसके शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट करना है, यानी बाद में शेयर्स खरीदेंगे और उसमें इन्वेस्ट करेंगे, वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। हाँ, वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कि कंपनी शेयर होल्डर से ले सकती है या शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो मैक्सिमम अमाउंट है। अब क्या वो चेंज हो सकती है बाद में? बिल्कुल चेंज, हर चीज़ चेंज हो सकती है, हर चीज़ चेंज हो सकती है। और की क्वेश्चन?
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डायरेक्टर्स बनाते हैं या के शेयर होल्डर्स? आपके ख्याल में किसको बनाना चाहिए? शेयर होल्डर बनाते हैं। शेयर होल्डर देखिए, डायरेक्टर एजेंट है, उन्होंने शेयर होल्डर की सेक्शन के मुताबिक काम करना है। और असल में दर हकीकत मेमोरेंडम और आर्टिकल्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं डायरेक्टर्स को कि आपने इस तरीके से काम करना, ठीक है, शेयर होल्डर्स के पास नहीं। लेकिन उसमें वो टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा नहीं बताते, लेकिन वो इतना डिसाइड कर लेते हैं डायरेक्टर्स कितने होंगे। ऐसा ना हो कि बाद में अगर डायरेक्टर्स फैसला करें कि जी हम 10 हैं, 10 से काम नहीं हो रहा, 50 और डायरेक्टर होने चाहिए, और वो सारे अपने सारे खानदान को कंपनी में भर्ती कर दें और वो सारी सैलरी उधर ले जाए, पता चले प्रॉफिट नहीं लॉस है। तो इसीलिए डायरेक्टर्स के ऊपर भी कुछ नज़र रखने के लिए, उनको रेगुलेशन में लाने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए शेयर होल्डर आर्टिकल्स में कुछ ऐसी चीज़ें लिखते हैं कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए। और कोई क्वेश्चन? क्या अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन में कोई भी चीज चेंज होती है, फॉर एग्जांपल कैपिटल लिखा हुआ था वो चेंज करवाते हैं, तो क्या वो दोबारा एसएससीपी के पास जाकर रजिस्टर करवाना होगा? यस, दोबारा करवाना होगा। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? आज का लेक्चर स्टार्ट करें। चलिए, हमने अपने लॉ का पहला कंसेप्ट कल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्टडी किया था डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ कंपनी, ठीक है। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, कल कंप्लीट नहीं हो सका था, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ एक दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ कंपनी, ये भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपनी कंप्लीट नहीं हो सकेगा, ठीक है, क्योंकि एक तो मैं बहुत ज़्यादा स्टार्ट है, ला थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो उसको ज़रा हल्की स्पीड से करवाना चाह रहा हूँ, स्पीड कम रखना चाह रहा हूँ। और दूसरा, इसमें कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी ऐड करनी होती है, कुछ ऐसे कंसेप्ट भी बात होते हैं जो कि फ्यूचर के टॉपिक से रिलेट करते हैं, वो भी अगर रेलिवेंट हो तो हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए बागम बाग नहीं करूँगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव टू जो है टाइप्स ऑफ कंपनी में भी कम्प्लीट हो जाए, चांसेस यही है कम्प्लीट नहीं होगा, लेकिन बाकी भी इंशाल्लाह कल कवर कर लेंगे। आज स्टार्ट करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव वन पहले, कल जो हमारा रह गया था। स्टार्ट किया था हमने कंपनी की डेफिनेशन से, पढ़ा ये था कि कंपनी वो है जो रजिस्टर्ड होती है अंडर कंपनी लॉ, गवर्न कौन करता है? कंपनीज एक्ट में और मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। शाबाश। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तीन है, इनमें कंपनी के फीचर स्टडी कर रहे थे ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि कंपनी जो है वो किस तरीके से काम करती है, स्ट्रक्चर क्या होता है उसका। पहले पढ़ा सबसे अहम करेक्टरिस्टिक, सेपरेट लीगल स्टेटस होता है इसका, यानी कंपनी अलहदा पर्सन है, इसके ओनर्स अलहदा हैं, डायरेक्टर्स अलहदा। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, के शेयर होल्डर और लोग होते हैं, मैनेजमेंट यानी डायरेक्टर्स, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है उसे डायरेक्टर्स कहते हैं, वो अलहदा लोग हैं। क्या एक ऐसा केस हो सकता है कि एक बंदा एट द सेम टाइम शेयर होल्डर भी है और डायरेक्टर भी है? क्या जिस जगह शेयर होल्डर बैठे होंगे वहां जाके बैठ सकता है? क्यों, वो तो डायरेक्टर है, शेयर होल्डर के तौर पे बैठ रहा है। जिस जगह डायरेक्टर्स बैठे होंगे वहां पे जाके बैठ सकता है? क्यों, वो तो शेयर होल्डर है, वो डायरेक्टर भी तो है। करेक्ट। शेयर्स ऑफ कंपनी, हमने शेयर्स ऑफ कंपनी में स्टडी किया, तीन टर्म्स मैंने आपको बताई थी, शेयर कैपिटल, शेयर और शेयर होल्डर, तीनों में फर्क समझ आ गया। लिमिटेड लाइबिलिटी, ये आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट क्या? देखिए, हमने स्टडी किया सेपरेट लीगल स्टेटस में कि कंपनी लादा पर्सन है, मेंबर्स यानी ओनर शेयर होल्डर लादा पर्सन है, कंपनी के एसेट्स कंपनी ओन करती है, लाइबिलिटीज भी उसकी है, खुद पे करेगी, मेंबर्स पे नहीं करेंगे। नॉर्मली ऐसे ही होता है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है छोटी सी। ला ये कहता है कि असल में कंपनी को जो चला रहे हैं वो डायरेक्टर्स हैं, और डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हैं शेयर होल्डर्स मेंबर्स ने। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कंपनी बैंक से लोन लेती है और फ्लॉप प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देती है, नुकसान हो जाता है, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो असल में बैकएंड पे अगर देखें तो कसूर किसका है? शेयर होल्डर्स का।
डायरेक्टर्स का तो है ना, लेकिन डायरेक्टर्स को जिन बंदों ने अपॉइंट किया उनका भी कसूर है। तो थोड़ा बहुत कसूर चुके शेयर होल्डर्स का भी है, तो थोड़ी बहुत लाइबिलिटीज इनकी भी होनी चाहिए। हालांकि नॉर्मली कंपनी की लाइबिलिटीज के लिए कंपनी लाइबल और लोग लाइबल नहीं होते, लेकिन कुछ केसेस में मेंबर्स या शेयर होल्डर्स भी लाइबल हो सकते हैं अप टू ए लिमिटेड एक्सटेंट, थोड़ा बहुत, इसे कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, याद रखें कंपनी की लाइबिलिटी अपने डेट्स के लिए 100% है। जब हम ये कहते हैं ना लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, इसका ये मतलब नहीं होता कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है, नहीं नहीं कंपनी की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। उसकी जिम्मेदारी या जो भी लोन लिया हुआ है उसने उसने वापस करना है, उसकी लाइबिलिटी फुल है, 100% है। डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी नो, कोई लाइबिलिटी नहीं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर्स तो एजेंट है ना, एजेंट प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करता है, तो जो भी नफा नुकसान हो वो प्रिंसिपल का होता है, एजेंट का तो नहीं होता, तो वो लायबल नहीं है। हाँ, अनलेस कि वो कोई कंपनी के साथ फ्रॉड करे, अपनी पावर से एक्सीड करे, इलीगल काम करे, तो फिर डायरेक्टर्स खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, लायबल होंगे। वरना नॉर्मली कंपनी के डेट्स के लिए डायरेक्टर्स लायबल नहीं, और कंपनी 100% फुली लायबल है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कंपनी ने लोगों से लोन लिया और वो सही तरीके से बिजनेस ना चल सका, नुकसान हो गया, कंपनी डिफॉल्ट कर गई, बैंकक्रप्ट कर गई, तो लॉ ये कहता है शेयर, इस केस में अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाए, बंद हो जाए, इसे कहते हैं वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप में आ जाए, वाइंडिंग अप। देखिए कंपनी, मैंने आपको बताया था वो आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है। ठीक है, कंपनी को मौत नहीं आती, ठीक है, वो क्रिएट होती है बाय प्रोसेस ऑफ लॉ और ख़त्म भी होती है बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। ख़त्म होने के प्रोसेस को कहते हैं वाइंडिंग अप हम, और क्रिएट होने के प्रोसेस को कहते हैं इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो कंपनी चूंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अब बैंक से लोन लिया, डिफॉल्ट कर गई है, पैसे पूरे अदा नहीं कर पा रही, लॉ ये कहता है यहां पे शेयर होल्डर्स की भी कुछ ना कुछ लाइबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी कि वो पैसे कंट्रीब्यूट करें, पैसे अदा करें, ताकि वो जिन लोगों से कंपनी ने लोन लिया था जो उसकी लाइबिलिटी बाकी रहती है वो अदा कर सके। इसको कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंसेप्ट। यानी लिमिटेड लाइबिलिटी कंसेप्ट में मेन पॉइंट्स क्या है, डायरेक्टर्स की नो लाइबिलिटी, कंपनी की फुल लाइबिलिटी, लेकिन अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए, तो उस सूरत में मेंबर्स की जिम्मेदारी है कि वो एक स्पेसिफाइड लिमिटेड अमाउंट कंपनी में कंट्रीब्यूट करे, ताकि कंपनी इस काबिल हो सके कि कुछ ना कुछ अपने कर्जे अदा कर सके मरने से पहले। ये बात समझ आई? अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी होगी, मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी होगी, ये डिपेंड करता है कंपनी की टाइप कौन सी है। एक कंपनी होती है लिमिटेड बाय शेयर, एक कंपनी होती है लिमिटेड बाय गारंटी। पहले इन दोनों को समझते हैं, फिर लाइबिलिटी के बारे में समझेंगे। मुझे ये बताइए, क्या बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए? अच्छा, पैसा ज्यादा जरूरी है कि एक आइडिया ज्यादा जरूरी है? अच्छा, पैसा भी जरूरी है, दोनों जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी है। याद रखें मोर देन 95% केसेस में जो बिजनेस शुरू होते हैं वो पैसे के साथ ही होते हैं, पैसे के साथ। लेकिन लेस देन 5% केसेस ऐसे भी हैं कि जिनमें लोगों की जेब में 10 रुपए थे, 100 रुपए थे, उन्होंने बिजनेस शुरू किया और वो अरबों रुपए के मालिक बन गए। आप शायद टीवी वगैरह पे इंटरव्यूज वगैरह भी सुनते होंगे लोगों के, सक्सेसफुल जो पर्सन होते हैं तो वो इस तरह की बातें बताते हैं। तो याद रखे कि मोर देन 95% केसेज में बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, लेकिन कुछ केसेज में, रेयर केसेज में, पैसे के बगैर भी लोग काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे किसी के घर का गैराज खाली था, उसने वहां पे दुकान खोल ली,
ठीक है, या किसी से फारिज हमने उधार लेके काम शुरू कर दिया, शेयर कैपिटल नहीं है। तो याद रखिए, बिजनेस शुरू करने के लिए ज्यादातर केसेस में शेयर कैपिटल होना जरूरी है, लेकिन कुछ केसेस, रेयर केसेस में ऐसे भी होता है कि शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक है। उस केस में या तो बगैर पैसों के बिजनेस शुरू कर दिया जाता है, या थोड़ा बहुत उधार पकड़ के काम शुरू कर, शेयर कैपिटल नहीं होता शेयर कैपिटल। तो कंपनीज की दो टाइप्स हैं, एक है लिमिटेड बाय शेयर, एक है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसमें 100% कंफर्म है कि शेयर कैपिटल होगा, शेयर कैपिटल होगा, पैसों से बिजनेस शुरू होगा। लिमिटेड बाय गारंटी ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसमें नॉर्मली शेयर बिजनेस चलाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, और इसमें नॉर्मली शेयर कैपिटल भी नहीं होता, तो फिर बिजनेस कैसे चलता है? या तो बगैर पैसों के, या किसी से लोन लेके। यहां तक समझ आए? लिमिटेड बाय शेयर, इसको लिमिटेड बाय शेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका शेयर कैपिटल होता, कंफर्म है कि इसका शेयर कैपिटल होगा, कंफर्म है कि इसने जो मेमोरेंडम बनाया होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन SACB के पास रजिस्टर करवाया होगा, उसमें शेयर कैपिटल की अमाउंट लिखी होगी कंफर्म में, इसीलिए इसे कहा जाता है लिमिटेड बाय शेयर, इसके नाम में शेयर का लफ्ज आ रहा है, ठीक। अच्छा, इसको जरा मजीद स्टडी करते हैं। शेयर की एक फेस वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल कोई बताइए कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू क्या रखनी है? 10 रुपए। जो पुराना लॉ था ना, कंपनी लॉ, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, उसमें एक प्रोविजन थी, रिक्वायरमेंट थी, इजाजत थी जो नए में नहीं है, वो ये थी, अगर आपने शेयर होल्डर को शेयर इशू किए और इनके पास फर्ज कीजिए पैसे नहीं है पूरे, तो आप इसके साथ किस्तें कर सकते हैं, ये इजाजत थी। यानी फर्ज कीजिए मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, पैसों की जरूरत है, हमने फैसला किया चले शेयर इशू करते हैं, हमने फर्ज कीजिए एक ही शेयर इशू किया, एक भाई को दिया, भाई ने पूछा कितने का, मैंने कहा 10 रुपये का, मेरे पास तो नहीं है, मैंने कहा अच्छा यार पैसों की जरूरत है तो ऐसा करो 6 रुपये है, मैंने कहा है, मैंने कहा 6 रुपये दो मुझे, काम शुरू करते हैं, बाकी जब जरूरत पड़ेगी 4 रुपये तुमसे मांग लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। हमने उसे शेयर दिया 10 रुपये वाला, और पैसे कितने लिए? 4 रुपये, जब जरूरत पड़ेगी फिर लेंगे। इस सिचुएशन की पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में कभी तो शेयर सारे के सारे फुली पेड हो जाते थे, कभी पार्टली पेड होते थे। फुली पेड का मतलब क्या है? कि 10 रुपये का शेयर इशू किया, 10 के 10 रुपये ले लिए, फुली पेड। पार्टली पेड का मतलब क्या है? 10 रुपये का शेयर इशू किया और किस्तों में शेयर इशू किया, 4 रुपये जब जरूरत पड़ेगी तब लेने, ये पहले। अब इजाजत नहीं है। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अब जब कभी आप शेयर इशू करेंगे, हमेशा फुली पेड शेयर इशू करेंगे, पार्टली पेड किस्तों की इजाज़त नहीं है। भाई अगर नहीं है तुम्हारे पास पैसे, तो जितने के पैसे हैं उतने के शेयर खरीद लो, ज़रूर तुमने ज़्यादा अमाउंट के शेयर खरीद के फिर किस्तें करानी है, ठीक। अब फुली पेड शेयर इशू करने की इजाज़त नहीं। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि कुछ पाकिस्तान में ऐसे शेयर्स हों जो पार्टली पेड है? ये कैसे पॉसिबल है? हालांकि कंपनीज एक्ट 2017 ने कहा है कि पार्टली पेड शेयर इशू नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि पॉसिबल है कि पुराने लॉ के मुताबिक कुछ कंपनी ने पार्टली पेड शेयर इशू किए हो और अभी तक उनसे पैसे वसूल नहीं किए, इसलिए हालांकि न्यू कंपनीज एक्ट में इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान में कुछ ऐसे पार्टली पेड शेयर्स हैं। सिचुएशन समय लग गई। अब सुनिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ क्या रहे हैं के मेंबर्स की लायबिलिटी, अगर कंपनी वाइंड अप में चली जाए और अपने डेट्स को पे ना कर सके तो मेंबर्स की कितनी लायबिलिटी होगी पे करने की पैसे, ये डिपेंड करता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है कि लिमिटेड बाय गारंटी। और अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो डिपेंड करता है शेयर्स फुली पेड है या पार्टली पेड। अगर तो शेयर्स फुली पेड हैं तो इनकी लायबिलिटी जीरो है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर ने जितने पैसे पे करने थे ऑलरेडी पे कर चुका है। और अगर शेयर पार्टली पेड है तो इनकी लायबिलिटी है कितनी?
क्या जितने डेट्स हैं उतने? नहीं 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 नहीं, कितने? जितनी अनपेड अमाउंट है शेयर्स के ऊपर जो उनके पास हैं, कितनी लाइबिलिटी है? अनपेड शेयर की हद तक। यानी इनके पास अगर एक शेयर है तो इनकी लाइबिलिटी कितनी होगी इस केस में? 4 रुपए। और अगर 100 शेयर लिए थे, 4,000 शेयर लिए थे, 4,000। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या होगी? अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाए और अपनी लाइबिलिटी पे ना कर सके तो शेयर होल्डर की कितनी लाइबिलिटी होगी? अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। ये क्लियर हो गया? और नॉर्मली मुझे बताइए, पाकिस्तान में ज्यादातर केसेस में शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कितनी होगी? 0, क्योंकि शेयर फुल्ली पेड हो। लेकिन अगर कोई पुराने चल रहे हैं तो उस केस में पार्टली पेड। ये फुल्ली पेड और पार्टली पेड में फर्क समझ आ गया? तो लिमिटेड बाय शेयर में जो कंट्रीब्यूशन होती है इन्वेस्टर की तरफ से, वो स्टार्ट ऑफ द कंपनी हो जाती है और कंपनी उसे अपना काम चलाती है। लेकिन अगर लिमिटेड बाय गारंटी हो तो इसमें क्या स्टार्ट में पैसे होंगे कंपनी के पास? क्योंकि कंपनी ने अपना कुछ ना कुछ बिजनेस सेटअप चलाया होगा, शायद लोन वगैरह लेके। लेकिन जब कंपनी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएगी, अभी तो कंपनी का स्टार्ट है, कंपनी ने कोई चीज़ें वगैरह भी नहीं खरीदी हुई, बैंक से लोन लेंगे तो ये खरीदेंगे ना। बैंक कहेगा जी मेरा तो ये असूल होता है कि सिक्योरिटी के बगैर लोन नहीं देते हम। हम कहेंगे अच्छा सर ऐसा करते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं। क्या करते हैं? कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप में गई और अपनी लाइबिलिटीज पे ना कर सकी तो हम तीन लोग हैं, मिस्टर ए बी सी। मिस्टर ए ने कहा मैं 10 लाख अदा करूंगा, मिस्टर बी ने कहा मैं 20 लाख अदा करूंगा, मिस्टर सी ने कहा मैं 30 लाख अदा करूंगा आपको। यानी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में हर मेंबर जो होता है, नोट कीजिए मैं लफज शेयर होल्डर नहीं बोल रहा, शेयर होल्डर का मतलब है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर वाली है। बेहतर होता है मेंबर का लफज बोला जाए ओनर्स के लिए, मेंबर का लफज दोनों कंपनीज को कवर कर लेता है, शेयर होल्डर का लफज सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर के केस में बोला जाए। तो मैं कहूंगा कि सर अब हर मेंबर जो है वो एग्री कर रहा है कि वो कंट्रीब्यूट करेगा, कब? जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी। कितना? हर बंदे ने अपना अपना एग्री कर लिया, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। बैंक ने कहा अच्छा मेरी तसल्ली हो गई, ये लो 30 लाख पकड़ो, बिजनेस शुरू करो। बात समझ आ गई? ए बी और सी इन्होंने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस हो गया तबाह। बी अकलमंद इंसान था, बी को नजर आ गया जहाज डोल रहा है, बहरी जहाज डोल रहा है, अनकरीब डूबने वाला है, थोड़ा थोड़ा डूबना भी शुरू हो गया। उसने क्या किया? छलांग लगाई और दूसरी कश्ती पे सवार हो गया। कैसे? जब उसे पता चल गया 2 दिन बाद कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है, हाँ ये तो बैंकक्रप्ट हो जाएगी, मुझे तो 20 लाख देना पड़ेगा। उसने कहा बैंकक्रप्ट होने से 2 दिन पहले, जी मैं रिजाइन करता हूँ, आज के बाद मैं कंपनी का मेंबर नहीं हूँ, और घर चला गया। कंपनी 2 दिन बाद बैंकक्रप्ट हो गई। बताइए क्या बी लायबल है? क्यों? जिस दिन कंपनी बैंकक्रप्ट हुई उस दिन तो वो मेंबर था ही नहीं। देखें लीगली, देखें उसने साइंस खेली, ये लोग यही करते हैं, लॉ में लूप होल्स ढूंढते हैं। उसने कहा देखें कंपनी जब बैंकक्रप्ट होती है लायबल कौन होता है? जिस वक्त कंपनी बैंकक्रप्ट हुई मैं मेंबर हूं तो मैं कैसे लायबल हो सकता? गारंटी दी थी, लेकिन जब रिजाइन करके चला गया तो गारंटी भी खत्म, गारंटी भी खत्म। लॉ ने कहा ठहर जाए भाईजान, इतने साइंसदान ना बने, पूरा लॉ पढ़ लिया करे, हमने पूरे लॉ में ये लिखा हुआ। इस तरह के केसेस आए, फिर उन्होंने प्रोविजन चेंज कर दी। उन्होंने कहा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वो कंपनी है जिसमें सारे मेंबर्स एग्री करते हैं कि अगर कंपनी बैंकक्रप्ट हुई तो हम इतने इतने पैसे, हर एक अपनी अपनी अमाउंट बताए थे, इतने इतने पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। कब? जब कंपनी बैंकक्रप्ट हुई और वो बंदा मेंबर था तब, या उससे 1 साल पहले तक के अरसे में मेंबर था तो भी वो लायबल होगा।
ताकि ये जो लोग होते हैं ना कंपनी को डूबता हुआ देख के निकल जाते हैं छलांग मार के दूसरे बहरी जहाज पे, ये इसके कंपनी के साथ डुबोने में इनका भी हाथ है ना, तो ये भी साथ डूबे। यानी अगर कंपनी जिस दिन लिमिटेड बाय गारंटी बैंकक्रप्ट हुई उससे 3-4 महीने पहले मुझे नजर आना शुरू हो गया था कि अब कंपनी का बचने के चांसेस नहीं है तो मैं निकल जाता हूं, तो अब कंपनी बैंकक्रप्ट हुई 4 महीने बाद, क्या मैं लायबल हूं? Yes. बिल्कुल लायबल है। हाँ, अगर 1.5 साल पहले निकल जाता हूं फिर लायबल नहीं होगा। तो ये लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी में फर्क समझ आया आपको? ठीक है, तो लायबिलिटी क्या मेंबर्स या शेयर होल्डर्स की, जनरल रूल हमारा क्या है, सेपरेट लीगल स्टेटस है, कंपनी अपने डेट्स के लिए खुद लायबल, अपने एसेट्स उसके हैं, शेयर होल्डर के नहीं है, जनरल रूल ही है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, लिमिटेड लायबिलिटी। और ये लायबिलिटी कब बनने की जहन में रखी है, कंपनी की जिंदगी के उदाहरण में नहीं, जब कंपनी मर बाइंडिंग अप, और उस वक्त भी तब जब वो अपनी लायबिलिटी पे ना कर सके। अगर कंपनी वाइंड अप हुई और लायबिलिटी पे कर दिए फिर उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है, बल्कि जो पैसे बचेंगे ये आपस में बांटेंगे, आपस में, बहुत अच्छी बात है। तो इनकी लायबिलिटी सिर्फ उस वक्त रहेगी वाइंडिंग अप है और कंपनी अपने डेट्स पे, तो लायबिलिटी कितनी होगी मेंबर्स की डिपेंड करता है टाइप ऑफ कंपनी कौन सी है। लिमिटेड बाय शेयर है तो लायबिलिटी होगी अप टू, और लिमिटेड बाय गारंटी है तो लायबिलिटी होगी जो उन्होंने एग्री किया होगा कि कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अच्छा जरा मतलब बताइए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, शेयर कैपिटल कितना है टोटल, किधर लिखा होगा? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, हर बंदे ने कितना एग्री किया हुआ है कंट्रीब्यूट, गारंटी कितनी दी हुई है, किधर लिखा होगा? मेमोरेंडम में। क्यों, ये भी मेमोरेंडम में, कोई प्रॉब्लम है? ये भी मेमोरेंडम में लिखा। ठीक है, ये लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट समझ आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं? स्टूडेंट कहते हैं सर ऊपर कह रहे हैं आपके कंपनी की लायबिलिटी कंपनी की है, किसी और की नहीं, एसेट भी उसके अपने हैं, और नीचे आके कह रहे हैं कि अगर वाइंड अप हो तो लायबिलिटी थोड़ा शिफ्ट हो जाएगी उनके ऊपर। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। आगे चलें, कुछ कुछ समझ आ रहा है, आगे चलें। ट्रांसफरबिलिटी, ट्रांसफरबिलिटी का मतलब क्या है, शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर है, क्या अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर सकता, बेच सकता, लेकिन फिर वो पुराना बिजनेस नहीं रहा, वो नया बिजनेस बन गया। पार्टनरशिप में भी इसी तरह होता, पार्टनर नए आते भी है पुराने जाते भी है, लेकिन हर दफा जब भी पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर चेंज होते हैं नया एग्रीमेंट बनता है, पुराना खत्म हो जाता है। लेकिन कंपनी के केस में क्या शेयर ट्रांसफर किए जा सकते हैं किसी दूसरे को? बिल्कुल किए जा, अच्छा कैसे किए जा सकते हैं, आप सेल भी कर सकते हैं, आप गिफ्ट भी दे सकते हैं, इनहेरिटेंस भी हो सकती है। सेल का मतलब क्या है, बेच दिए। गिफ्ट का मतलब क्या है, दे दिए बदले में पैसा कुछ नहीं लिया। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, मरने पे आगे ट्रांसफर हो गए, अपनी खुशी से नहीं दिए, मरने पे ट्रांसफर हो गए, इनहेरिटेंस शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं। क्या इसके ट्रांसफर होने से, पहली बात ये, कंपनी के स्टेटस पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जहन में रखिएगा, कंपनी को फर्क सिर्फ उस वक्त पड़ता है जब शेयर फर्स्ट टाइम इशू हो रहे होते हैं, जब कंपनी शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रही होती है ना, तब कंपनी को फर्क पड़ता है। क्या वो पैसे अपने पास रखती है और शेयर उनको दे देती है। अब इन्होंने इसको शेयर सेल किया, इन्होंने इसको किया, इन्होंने गिफ्ट किए, उधर इनहेरिटेंस हुई, गिफ्ट हुआ, सेल हुआ, इधर 100 दफा भी शेयर आगे ट्रांसफर होते जाएंगे, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इनकी शेयर होल्डर की अपनी ट्रांजेक्शन, क्लियर होगी ये बात? हाँ, एक काम होगा कि जिस तरह हम कोई प्लॉट खरीदते बेचते हैं ना, तो जाके रिकॉर्ड में नाम चेंज करवा देते हैं कि इसका मालिक अब ये, उसी तरह जब ये भाई शेयर बेचेंगे इनको, तो ये दोनों एक दफ़ा कंपनी के ऑफिस में आके रिकॉर्ड में नाम चेंज करवाएंगे, ताकि आइंदा से कंपनी को पता हो कि डिविडेंड किसको देना। ठीक, ये है ट्रांसफरबिलिटी, ट्रांसफर हो सकते हैं शेयर, क्या एक से दूसरे को हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं, आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी बेचे। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल का मतलब होता है हमेशा, सक्सेशन का मतलब चलते रहना। सोल प्रोवाइडर है, काम कर रहा है, क्या वो मर सकता है? मरा तो बिजनेस खत्म, उसके बेटे चलाएंगे, लेकिन वो टेक्निकली नया बिजनेस समझा जाता है।
पार्टनरशिप में कोई पार्टनर की डेथ हो सकती है, उसकी डेथ हुई तो नया एग्रीमेंट होगा, बाकी क्योंकि शेयरिंग रेशो वगैरह नहीं डिसाइड करते हैं, वो नई पार्टनरशिप समझी जाती है। कंपनी के केस में कंपनी एक आर्टिफिशियल, देखिए नेचुरल पर्सन मरता है, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं मरता, कंपनी नहीं मरती। आपको ऐसा सोल प्रोप्राइटर कोई नहीं मिलेगा जो 100 साल से काम कर रहा है, लेकिन ऐसी कंपनीज बहुत सी मिल जाएंगी जो 150 साल से काम कर रही है, और अगर उन्हें बाय प्रोसेस ऑफ लॉ खत्म ना करवाया जाए वो क्यामत तक चल सकती है। उनके शेयर होल्डर चेंज होते रहेंगे, कभी सेल के जरिए से, कभी गिफ्ट के जरिए से, कभी इनहेरिटेंस के जरिए से, लेकिन कंपनी पे कोई फर्क, शेयर होल्डर के मरने से कंपनी पे फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टर्स के मरने से भी नहीं पड़ता, वो कहते किसी और को ले आता भाई, इसका टेंशन। इसीलिए कंपनी को कहा जाता है ये परपेचुअल सक्सेस, ये हमेशा चलती रहती, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, मरना तो है नहीं, इसको मौत तो कभी आनी नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन जो है, नेचुरल पर्सन थोड़ा ही। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि जिस तरह पार्टनरशिप किस डॉक्यूमेंट की बेस पे बनती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बेस पे, उसी तरह कंपनी भी दो डॉक्यूमेंट्स की बेस पे बनती है, क्या नाम है, मेमोरेंडम एसोसिएशन और ये। क्लियर हो गया? अभी तक के लेक्चर में सबसे अहम कंसेप्ट था लिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी समझ आ गया। लिमिटेड बाय शेयर के केस में डिफरेंट रूल है, लिमिटेड बाय गारंटी के केस में, और एक साल वाली बात जरूर जहन में रखते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी के कितनी टाइप्स होते हैं। टाइप्स पढ़ने से पहले ये समझने कि ये पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है। हर सब्जेक्ट में ना आई कैप के कुछ ट्रिक्स होते हैं स्टूडेंट्स को फेल करने के, फेवरेट उन तरीकों से उनको फेल करता है हर सब्जेक्ट के टीचर, आपको बताते होंगे एग्जामिनर कमेंट्स में भी बाज़ का हाईलाइट करता हूँ। लॉ में भी उसके तीन ट्रिक्स है फेवरेट, यानी ये वो ट्रिक्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स ने तैयारी की होती है और वो फेल होता है। एक तो ये है ना कि कोई कंसेप्ट ऐसा आ गया जो स्टूडेंट ने नहीं किया, इसमें आई कैप का कोई कमाल नहीं है, इसमें स्टूडेंट की गलती है कि वो फेल हुआ। लेकिन तीन ट्रिक्स ऐसे हैं जिसमें अच्छा स्टूडेंट जिसने तैयारी की होती है वो फेल हो जाता है। उसमें पहला जो सबसे बड़ा ट्रिक है आई कैप का, पहला वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आइंदा चलते आगे चलते चलते बताऊंगा। पहला ट्रिक ये है, कंपनीज एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि कंपनीज ये काम करेगी ये काम नहीं करेगी, रूल्स लिखे हैं, रिक्वायरमेंट्स लिखे हैं जो कंपनीज में अप्लाई होती हैं। लेकिन हर रूल के साथ ये लिखा हुआ है कि ये किस टाइप ऑफ कंपनी पे अप्लाई होगी, ये वाला काम करना है किसने करना है, ये वाला काम सारी कंपनीज ने करना है, अगला काम ये भी करना है किसने, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी ने करना है, अगला काम ये करना है किसने, ये सिर्फ प्राइवेट कंपनीज ने करना है, तीसरा काम किसने करना है, हर तरह की कंपनीज ने करना है। इस तरह जहां कहीं लीगल रिक्वायरमेंट है साथ में ये लाजमी लिखा होता है कि ये किन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। स्टूडेंट क्या करता है, सिचुएशन को याद कर लेता है कि अच्छा ये सिचुएशन है तो ये कंडीशन है, अगर ये काम करना है उसके लिए ये कंडीशन है, लेकिन ये भूल जाता है कि वो कंडीशंस प्राइवेट कंपनी के लिए है, पब्लिक कंपनी के लिए है या हर कंपनी के लिए है। कंसेप्ट में लॉ में लिखा होता है कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं ये कंडीशन पूरी करो, लेकिन सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है, प्राइवेट के लिए नहीं है। और एग्जाम में सिचुएशन वही देगा कि ये काम करना है, ये लिख देगा कंपनी प्राइवेट है, स्टूडेंट ये भूल जाता है और कहता है अच्छा ये इसके लिए चार कंडीशन है, ये कंडीशन लिख दी, आई कैप जीरो नंबर, उसने कहा भाई ये तो प्राइवेट कंपनी थी इसके लिए तो ज़रूरी नहीं था। तो याद रखिए आइंदा से जब कभी आप कोई भी प्रोविजन पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, ये साथ में लाजमी सीखना है, मेंशन करना है कि ये सारी कंपनीज के लिए है, सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है या सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के लिए, या आगे जो भी टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे। ये बात समझ आई मेरी? चलिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ, हम टाइप्स ऑफ कंपनीज को तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं,
ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी और अदर टाइप्स। ये सारी टाइप्स पढ़ना समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें से एक दो टाइप्स के अलावा, दो टाइप्स के अलावा बाकी सारी टाइप्स फ्रीक्वेंटली टेस्ट होती रहेंगी। सिर्फ दो टाइप्स है, एक अनलिमिटेड कंपनी और एक एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ये सिर्फ थोड़ा सा इनका जिक्र होता है, इसके बाद आगे जो भी टाइप्स ऑफ कंपनी चलती है वो बाकी की चलती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस कंपनीज को दो हिस्सों में क्लासीफाई किया जाता है। ये वो क्लासिफिकेशन है जो सबसे ज्यादा यूज होती है कंपनीज एक्ट में। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस कंपनीज को दो हिस्सों में क्लासीफाई किया जाता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का ये मतलब नहीं है सरकारी कंपनी, नहीं नहीं, नहीं। पब्लिक कंपनी का मतलब है वो कंपनी जिसमें जनरल पब्लिक इन्वॉल्व हो। प्राइवेट कंपनी का मतलब वो कंपनी, कंसेप्चुअली बता रहा हूं अभी, वो कंपनी जिसमें चंद एक लोग प्राइवेटली जो कि फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर है वो मिलके कंपनी चलाए। बेसिक डिफरेंस ये है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट, लीगल नहीं, कंसेप्चुअली डिफरेंस बता रहा हूं। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या, जिसमें जनरल पब्लिक हो। प्राइवेट कंपनी का मतलब जनरल पब्लिक नहीं है, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर मिलके कंपनी चला रहे। अच्छा, ये फर्क समझ आया आपको? तो मुझे एक बात, अभी मैंने लॉ पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन मुझे यह बात बताइए, कंपनीज एक्ट में जो ज्यादातर रिक्वायरमेंट्स होंगी वो प्राइवेट कंपनी के ऊपर अप्लाई कर रही होंगी या पब्लिक कंपनी में? क्यों? क्योंकि उनमें पब्लिक, जनरल पब्लिक का पैसा है। गवर्नमेंट रेगुलेट दोनों को करती है, लेकिन प्राइवेट पे हाथ खोला रखा होता है, क्योंकि ये अगर दो नंबरिया करेंगे भी तो ये छोटा दो चार लोग आपस में मिले एक दूसरे से उदी नहीं बटलेंगे। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में चूंकि जनरल पब्लिक इन्वॉल्व है तो जनरल पब्लिक नहीं निमट सकती इस केस में। हो सकता है कंपनी का ऑफिस कराची में हो और बंदा दूसरा क्वेटा में बैठा है जिसने इन्वेस्टमेंट की है। तो इसीलिए इनको पब्लिक कंपनी के लिए ज्यादा रेगुलेशंस हैं, ज्यादा सख्तियां हैं। ठीक है, एक जगह पे लिखा हुआ है अगर प्राइवेट कंपनी ने ये काम किया ना तो उसे सजा के तौर पे पब्लिक कंपनी बना दिया जाएगा। तो स्टूडेंट कहने लगा सर ये तो अच्छा है, ये तो उसके लिए इनाम है, सजा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये उसके लिए सजा ही है। क्यों? क्योंकि जब उसे पब्लिक कंपनी बना दिया जाएगा तो उसमें सारी रिक्वायरमेंट भी वो लगेगी जो पब्लिक कंपनी वाली है, और वो पब्लिक से पैसे भी नहीं ले सकेगी। मजे की बात, पैसे लेने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन सख्तियां सारी वही होगी, तो सजा ही हुई प्राइवेट। अब सुने लीगल डेफिनेशन किसकी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों में फर्क क्या है। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी है जो लिमिट करती है नंबर ऑफ मेंबर्स 250, यानी जिसके मैक्सिमम ओनर्स कितने हो सकते हैं, 50 से ज्यादा नहीं। फ्रेंड एंड फैमिली लिमिट लगा दी ना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं उसमें फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को अगर हम ऐड करते हैं उसमें भी तो लिमिट लगी होती है। कितनी होती है व्हाट्सएप ग्रुप में, कितनी लिमिट होती है? 256। इसी तरह यह भी याद करना है कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितनी होती है, 50। क्या एम्प्लॉयज इस 50 में शामिल होते होंगे? वो मालिक थोड़ी है, एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉयज पहली। तो प्राइवेट कंपनी वो है जो एक दो तीन, तीनों शर्तें पूरी करेगी, तीनों, कोई सी एक या दो नहीं, तीनों। पहली शर्त क्या है, उसके नंबर ओनर्स की मैक्सिमम लिमिट 50 होगी एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉयज। दूसरा, रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। रिस्ट्रिक्ट करती है क्या, राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। अब देखिए पब्लिक पार्क है, आप अपनी फैमिली के साथ जाके बैठे उधर, कोई दूसरे लोग आके आप उनको रोक सकते हैं अंदर आने से? पब्लिक प्लेस है, जो मर्जी है। लेकिन अगर आप अपने घर में बैठे हैं तो आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे राइट टू एंटर योर हाउस। आप अपने रिश्तेदारों को तो आने की इजाजत देंगे, हर बंदे को आने की इजाजत नहीं देंगे, आपकी प्राइवेट प्लेस है। उसी तरह प्राइवेट कंपनी में भी याद रखें, हर बंदे को आने की इजाजत नहीं होती। ठीक है, अगर आप किसी को, ये भाई ओनर है प्राइवेट कंपनी में, शेयर होल्डर है, क्या इनके पास ये पावर होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी में
कि जाके किसी को भी शेयर बेच दें और वो कोई भी वो गुंडा मवाली कोई भी हो वो आगे कहे जी मैं मालिक हूँ, अब ऐसी की तैसी मेरे पास शेयर तो दो ही हैं लेकिन मैं देखता हूँ कौन मेरे खिलाफ फैसला करता है। नहीं नहीं होना चाहिए। इसीलिए लॉ ये कहता है कि राइट टू ट्रांसफर शेयर रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये नहीं है कि हो ही नहीं सकता। एक लफ्ज होता है प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब है मना कर दिया, काम हो ही नहीं सकता। एक होता है रिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब हो सकता है शर्त के साथ। और वह शर्त क्या है भाईजान? बाकी के शेयर होल्डर और डायरेक्टर से पूछ लो, उन्हें कोई इतराज तो नहीं है। अगर इतराज नहीं है फिर आप अपने शेयर प्राइवेट कंपनी में बेच सकते हो, वरना नहीं बेच सकते, वरना नहीं बेच सकते। क्लियर हो गई? यानी अप्रूवल जरूर। और ये किस लिए? ये अच्छी अच्छी बात है ये, ठीक है, ताकि कोई आउटसाइडर ना आ जाए फैमिली में। तीसरा, प्रोहिबिट्स इनविटेशन टू जनरल पब्लिक, मना करते हैं क्या कि जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करना। जनरल पब्लिक को किस में हम डिनर पे इनवाइट कर रहे होंगे? किस पे? जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहे होंगे, भैया आके पैसे डालो, इन्वेस्टमेंट करो हमारी। कहते हैं प्राइवेट कंपनी को अगर पैसे चाहिए अपनी जेब से लोग डाले, सारे फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर, बैंक से लोन ले ले वो भी चलेगा। अखबार में इश्तिहार नहीं दे सकते कि आके हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। प्राइवेट कंपनी के लिए ये पाबंदी है, किसी सूरत में नहीं कह सकते। प्रोहिबिट्स इनविटेशन, ये इनविटेशन लिखने की कोशिश की है मैंने, जो भी अखबार, प्रोहिबिट्स इनविटेशन टू जनरल पब्लिक कि जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। किस लिए? फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, के जनरल पब्लिक आके कंपनी में अपने पैसे डाले। ये काम प्राइवेट कंपनी कर सकती है? तो तीन प्राइवेट कंपनी कौन सी है? ऐसी कंपनी जिसमें तीन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तीन कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या? लिमिट्स नंबर ऑफ मेंबर्स टू एम्प्लॉय शामिल नहीं होंगे। दूसरा, रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर इट शेयर। और तीसरा, प्रॉफिट लिमिटेशन टू जनरल पब्लिक फॉर टू सब्सक्राइब फॉर शेयर, यानी जनरल पब्लिक पैसे नहीं डाल सकते। अच्छा, इसकी दो टाइप्स हैं प्राइवेट कंपनी। अगर तो प्राइवेट कंपनी में सिर्फ एक ही मालिक है, उसे कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी। उसे क्या कहते हैं? और अगर एक से ज्यादा है, अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, भाई अगर एक ही मालिक है उसे सोल प्रोप्राइटर नहीं कहेंगे? अगर वो कंपनीज एक्ट के मुताबिक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता तो वो सोल प्रोप्राइटर ही रहेगा। लेकिन अगर वो कंपनीज एक्ट के मुताबिक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो फिर वो सोल प्रोवाइडर नहीं रहेगा, वो कंपनी बन जाएगा। उसको क्या कहते हैं? सिंगल मेंबर कंपनी। ऐसी कंपनी नाम से जाहिर है जिसका एक ही मालिक है, ठीक है। ये जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर। अब आते हैं पब्लिक, पब्लिक कंपनी कौन सी होती है भाई? ऐसी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, जो प्राइवेट कंपनी, हर वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या समझी जाएगी? एग्जाम में तीन नंबर के साथ उसने पूछ लिया, बताइए प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करें। मैं कहा प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करें करें जो पब्लिक। शाबाश भैया, प्राइवेट कंपनी कौन सी जो पब्लिक नहीं है, पब्लिक कौन सी जो प्राइवेट नहीं है, खत्म कर दे। इतना आसान ला चुटको, लोगों ने ऐसे ही मुश्किल बना रखा भाई, ऐसे नहीं है। सुने, प्राइवेट कंपनी को डेफिनेशन पूछे कौन सी है, हमने कहा ऐसी कंपनी जिसमें तीन रिस्ट्रिक्शंस हो। पब्लिक कंपनी कौन सी है, तीन नंबर के साथ क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट्स ने। इसके इसके दो तरीके आंसर करने के, तीन तरीके हैं। एक में कंफर्म फेल, दूसरे में पास हो सकता है, पास पास है बल्कि दूसरे में पास, लेकिन तीसरा बेहतरीन तरीका है। पहले फेल वाला सुने, तीन नंबर के साथ क्वेश्चन आया पब्लिक कंपनी डिफाइन करें, उसने कहा ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, फेल। दूसरा, दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, पब्लिक कंपनी को डिफाइन करना है, ये तीन दूसरे के माइंड में आया ये तीन वाली प्राइवेट कंपनी होती है, इसके साथ नॉट नॉट लगा दूं, ये भी पास हो सकता है, ये पास हो सकता है। इसने बाहर आप पॉइंट्स तो लिखे हैं ना। बेहतरीन तरीका कैसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, आप लिखें पब्लिक कंपनी कौन सी है, कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, फिर नीचे लिखे फॉलोइंग इज ए प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन लिख दें। यानी आपने असूल के मुताबिक उसे बताया
देखिए एक एक लाइन लिख के तीन नंबर नहीं देगा, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा पब्लिक कंपनी कौन सी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, फिर बताना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, ताकि पहचान हो जाए उसको कि इसको कंसेप्ट आता है। क्लियर होगी ये बात? चलिए आगे चलते हैं। प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इश्यू कर सकती है? नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी कर सकती है। पब्लिक कंपनी की मजीद दो टाइप्स होते हैं, अनलिस्टेड लिस्टेड। फर्क सुनिएगा, प्राइवेट कंपनी जो शेयर इशू कर ही नहीं सकते, अनलिस्टेड जो शेयर इशू कर सकती है अभी किए नहीं, लिस्टेड जो शेयर इशू कर सकती है और कर भी दिए हैं, कर भी दिए हैं। जो शेयर इशू किए जाते हैं ना फिर जनरल पब्लिक को, वो स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर करवाने होते हैं, एसईसी साथ स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर करवाने होते हैं। लिस्टेड कंपनी के ऊपर दो रेगुलेटर्स होते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, लिस्टेड कंपनी के ऊपर दो रेगुलेटर, एक एसईसीपी तो है ही है, दूसरा कौन सा है, स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, नाम सुना होगा शायद आपने, जिसमें कंपनी के शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। क्लियर हो गई बात? प्राइवेट कंपनी कौन सी है जो जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर ही नहीं सकते, पब्लिक में। अनलिस्टेड कौन सी है जो कर सकती है अभी किए नहीं, लिस्टेड कौन सी है जो इशू कर सकती है और उसने इशू कहां पे किए होंगे, स्टॉक एक्सचेंज। मुझे समझ आ गया। अब सुनो एग्जाम टिप सुन लीजिए, एग्जाम में अगर उसने आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, बताइए क्या अनलिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स इशू कर सकती है? कर सकती है। प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा, क्या पब्लिक कंपनी ने, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सुनिएगा, क्या अनलिस्टेड कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशंस को फॉलो करना है? क्या लिस्टेड कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन फॉलो करना है? Yes, अब सुने क्वेश्चन जो एग्जाम में दे सकता है, नहीं यानी इस तरह का देगा, ये नहीं इस तरह का, क्या पब्लिक कंपनी के लिए स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशन को फॉलो करना लाजमी है? नहीं वाले गलत। फिर सुने, क्या पब्लिक कंपनी के लिए स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशन को फॉलो करना लाजमी है? हाँ वाले भी गलत। एग्जाम के सवाल का तरीका, अटेम्प्ट करने का तरीका कार सुने, जब उसने हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती ना तो हमने सारे केसेस को कवर करना है। ये कई दफा इसी स्टाइल में क्वेश्चन पूछता है कि क्या पब्लिक कंपनी के लिस्टिंग रेगुलेशन फॉलो करना, स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशन को फॉलो करना लाजमी है। इसका जवाब क्या है, सही जवाब, पास होने वाला। अगर वो कंपनी अनलिस्टेड है तो नहीं, अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो फिर है। इसी तरह बाज औकात क्वेश्चन में वो ये तो बता देता कोई कंपनी है, ये नहीं बताता प्राइवेट है कि पब्लिक है, तो हमने उसे प्राइवेट समझ के आंसर करना होता है कि पब्लिक समझ गए, दोनों। ये बात समझ आई जो समझाना चाह रहा हूँ? चल ये आगे जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तब सही क्लियर होगा, अभी तो शायद आपको थोड़ी देर बाद बोल जाए। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ये तो कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, दो तरह की पब्लिक और प्राइवेट, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी तीन तरह की कंपनी, कौन कौन सी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर समझाने की जरूरत है? वो बता दिया, तो फिर बताइए लिमिटेड बाय शेयर में मेंबर की लाइबिलिटी कितनी होती है, अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। और लिमिटेड बाय गारंटी में कितनी होती है, जितनी में एग्री करते हैं टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ फंडिंग। अनलिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड। ये रेयर कंपनीज हैं, रेयर। इसमें सिर्फ आपने यही कंसेप्ट समझना है कि दुनिया में हो सकता है कोई ऐसी भी कंपनी हो जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या है,
भाई कंपनी ने जितने भी पैसे अदा करने थे वाइंडिंग अप पे, शेयर होल्डर्स सारे के सारे अदा करेंगे, मेंबर सारे के सारे अदा करेंगे। अब वो लाइबिलिटी उनकी लिमिटेड नहीं होगी, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या है, जितने भी पैसे होंगे चाहे उन्हें घर क्यों ना बेचना पड़े वो बेच के अदा करेंगे अनलिमिटेड। लेकिन ये रेयर कंपनीज होती है, आपने इसके बारे में आइंदा कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं पूछना, सिर्फ इतना बताना चाहिए अनलिमिटेड कंपनी कौन सी, ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी, बस इसका कोई सवाल भी नहीं पूछना, ठीक है। हाँ, बाकी का जितने मर्जी सवाल पूछे, क्योंकि जितनी रेलिवेंस है एग्जाम की उसी लिहाज से पढ़ाना। क्लियर हो गया आपको? अब नेक्स्ट जो है वो है अदर टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसमें आता है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। अब ये कंपनी हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये भी इंटरेस्टिंग है, खासतौर पर होल्डिंग कंपनी, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।